اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارزقنا علما نافعا واسعا عميقا اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك اللهم ارزقنا حياة سعادة وموت شهادة اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين علوم القرآن کے حوالے سے آج ہمارا یہ دوسرا لیکچر ہے. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ میں آپ کے سامنے آپ کو پڑھاتا, کیونکہ استاد نے جو مضامین چننے ہوتے ہیں وہ تو اپنے طلباء کو دیکھ کر چنتا ہے. بہرحال اس کمی کو اس طرح پورا کیا جا سکتا ہے کہ میرے اس لیکچر کو سننے کے بعد کوئی سوال اٹھے تو میرے نمبر پر مجھے آپ فون کر لیجئے, اور یہ نمازوں کے ٹائم کے علاوہ آپ کو اجازت ہے. ہو سکتا ہے میں کوئی بات نہ سمجھا سکا ہوں اور آپ کو تشنگی ہو تو وہ ضرور پوچھیے. کوشش کروں گا میں آہستہ آہستہ تھوڑا تھا پڑھا دوں تاکہ بات آہستہ آہستہ سمجھ تو آنی شروع ہو جائے. جس طرح پہلا میرا لیکچر جو تھا وہ آپ کے اور میرے تعارف کے حوالے سے تھا, تاکہ میں اور آپ اپنی ذمہ داریاں بحثیت طالب علم, بحثیت پاکستانی اور بحثیت مسلمان پورا کرنے کا عہد کر لیں. اپنی اس نئی کلاس کے آغاز پر کچھ تو فیصلے ہونے چاہیے. مجھے یقین ہے کہ میرے اس لیکچر کے بعد آپ نے سچا طالب علم, سچا پاکستانی اور سچا مسلمان بننے کا عہد کیا ہو. آج اس دوسرے لیکچر کے اندر بھی پھر تعارف ہے, لیکن یہ تعارف قرآن حکیم کا تعارف ہے. علوم القرآن کی پہلی بحث خود قرآن حکیم کا تعارف ہے. قرآن حکیم کی ایک تعریف تو اہل علم نے یوں کی ہے, القرآن هو الكتاب الموجز المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل باللسان عربي مبين. قرآن وہ کتاب ہے جو سراسر معجزہ ہے, جسے جبریل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا. اور یہ کتاب عربی مبین میں ہے. اور فنی اعتبار سے اہل علم میں جو اس کی تعریف کی ہے وہ یوں ہے, القرآن هو کلام اللہ, قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے, یہ مخلوق نہیں ہے
अल्लाह का कलाम है, खालिक का कम ये कलाम है। हुआ कलामुल्लाह अल-मुनज़्ज़ल अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजुल हुआ। अल-मुजिज़ बिसूरत मिन्हु, इसकी एक एक सूरत मुजज़ा है। अल-मुतअब्बिद बितलावतिही, ये वाहिद किताब है जिसकी तलावत भी इबादत है। अल-मक्तूब फिल मुसाहिफ़, ये सहीफ़ों में लिखी हुई है। मनकूल इलैना, हमारी तरफ जो के नकल कर दी गई है, हमें दे दी गई है। बैना दफ़तई अल-मुसहफ़, मुसहफ़ के दोनों जिल्दों के ये दरमियान है। नकलन मुतवातरन, ये नकलन मुतवातर है बग़ैर इनक़िता, ये इसके अंदर तसलसल है और मुसलसल ये तकरीबन 23 साल 22 साल कुछ माह ये मुसलसल नाजल होती रही। क़ुरान हकीम में इसके लिए दो तरह के अफ़ाल आए हैं। एक तो क़ुरान हकीम जो है वो बुनियादी तौर पे तो लोहे महफूज पर मौजूद एक किताब का नाम है। सूरह अलबरूज के अंदर अल्लाह ने हमें बताया कि बल हुआ कुरान मजीद फी लोहिम महफूज, कुरान मजीद जो है वो जो अल्लाह का कलाम है वो तो लोहे मौजूद लोहे महफूज पर ऊपर मौजूद है अल्लाह के पास। एक दफ़ा अल्लाह जल्ला शानू ने जब ये फैसला कर लिया कि इसे अब लोगों तक जाना है, अब उम्मत को ये कुरान हकीम देना है, तो वहाँ डायरेक्ट उम्मत तक पहुँचने से पहले अल्लाह जल्ला शानू ने इस किताब को जो लोहे महफूज पर मौजूद थी इसे बैतुल इज़्ज़ा के अंदर भेज दिया। ये चौथे आसमान के ऊपर एक मुकाम है, जिस तरह इस दुनिया के अंदर मरकज़े ज़मीन के ऊपर एक खाना काबा अल्लाह का घर है, बिल्कुल इसी की सेध में ऊपर चले जाएं चौथे आसमान पर तो वहाँ पे एक बैतुल इज़्ज़ा है। वो बैतुल इज़्ज़ा जो गलबे वाला है, जो सुलते वाला है, जो ताकत वाला है, उस बैतुल इज़्ज़ा के अंदर नाजल कर दिया। ये वहाँ से लेकर यक बारगी वहाँ पे नाजल किया गया। अनजलना, ये रमज़ानुल मुबारक की एक साथ थी जब अल्लाह जल्ला शानू ने वहाँ से लिया और चौथे आसमान पर बैतुल इज़्ज़ा, वो जो गलबे वाली जगह है, गोया जो इस कुरान हकीम को पकड़ लेगा उसको गलबा इज़्ज़त मिलेगी, ताकत मिलेगी, कुव्वत मिलेगी, इस्तेला मिलेगा, वहाँ पर इसे बैतुल इज़्ज़ा में, जिसे आसमान दुनिया भी कहते हैं, वहाँ पर भेज दिया। और एक हम कहते हैं कि ये तो नजमन नजमन थोड़ा थोड़ा करके नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर नाजुल हुआ। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक नुजूल हुआ है जो यकबारगी हुआ है, वो इंजाल हुआ है। इंजाल के अंदर ये मानी पाए जाते हैं कि कोई चीज़ यकबारगी ही कहीं पर नाजल कर दी जाए। और दूसरा जो फेल नाजुल है जिसके अंदर वो लिखा गया, जिसे तंजील कहा है, तंजील मिन रब्बिर रहीम, जहाँ पे तंजील का तस्करा हुआ है वहाँ पे जहाँ भी आप देखेंगे फेल अनजला लिखा होगा, युनजिल लिखा है, नज़ला नज़ला युनजिलु तंजीलन, ये तंजील के अफ़ाल हैं।
अल्लाह ने नाजिल कर दिया, तो वो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा है, जबरील अमीन जो चौथे आसमान से बैतुल इज्जत से लेकर नीचे आ रहे हैं, ये जो अन्नजमन नजमन पहुंचा है, ये तंजील हुई है। तंजील और अनजाल में यही फ़र्क है। अगर आप अपने वज़न के एतबार से देखना चाहें, अनजाल के अंदर तो ये मानी पाए जाते हैं कि कोई चीज़ एक ही दफ़ा एक मुकाम से जो बुलंद हो वहाँ से उसे नीचे वाली सतह पे लगा दिया जाए, वहाँ पे रख दिया जाए, तो ये नाजिल हो गया, ऊपर से नीचे आ गया। ये ऊपर से नीचे जो आई है ये इंजाल हुआ है जो लोहे महफूज से बैतुल इज़्ज़ा में जहाँ पे ये रखी गई है किताब, ताकि जबरील अमीन यहाँ से लेकर नीचे चले। अच्छा, यहाँ पे रखने का क्या फ़ायदा? क्या अल्लाह के पास जो लोहे महफूज है वहाँ से भी तो लेकर जबरील अमीन आ सकते थे? सवाल तो उठता है दिमाग, लेकिन सोचिए ज़रा कि अगर आपको याद हो कि जब जबरील अमीन रसूल अमीन के साथ मेराज के दिनों में सफ़र कर रहे थे, तो एक मुकाम पे जाके जबरील अमीन ने कह दिया था कि हजूर बस मेरी तो इस्तेआत यहाँ तक जाने की है, इससे ऊपर तो मैं नहीं जा सकता, अब आपका मेज़बान आपको खुद ऊपर लेकर जाएगा, आप जाएंगे मेरे तो पर जल जाएंगे, मैं नहीं ऊपर जा सकता। तो वहाँ पे तो पहुँचने की जबरील अमीन की भी इस्तेआत नहीं थी, तो जबरील अमीन ही की तो ड्यूटी लगी हुई थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के कल्ब मुबारक पर इसको नाजिल करना है, तो उसके लिए लाजम था कि वो लोहे महफूज से उतार कर यहाँ पर बैतुल इज़्ज़ा के अंदर इसको रख दिया जाए, ताकि बैतुल इज़्ज़ा तक तो वो आसानी से जा सकते हैं, तो बैतुल इज़्ज़ा से लेकर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो कल्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयत वो कहें, जो मुसलमानों की ज़रूरत है उसके मुताबिक वो नाजिल कर। यानी तहरीक तो पहले की है, वो सब कुछ लिखा हुआ तो पहले का है, लेकिन मुसलमानों को गाइड करने के लिए, वो जो इस्लामी तहरीक चल रही है उसकी रहनुमाई के लिए, जिस आयत की जिस सूरत में से जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ पर अल्लाह ने नाजिल फरमा। ये जो मौके की मुनासबत से नज़ूल होता रहा है, तसलसल उसमें पाया जाता रहा है, ये जो तंजील हुई है, जितने कलिमात भी तंजील के वज़न पे यानी तफ़ील के वज़न पे आते हैं, इसके अंदर हमेशगी और दवामियत पाई जाती है, और ये सिर्फ भी मौसूफ की ज़ाती होती है। मिसाल के तौर पर यहीं पर आप लीजिए, पहले हम ये जो तफ़ील है या फ़ाइल है इस वज़न को समझ लें, तो फिर अगली बात हमें आसानी से समझ आ जाएगी। मैं फ़ाइलों के वज़न को समझाने के लिए पहले एक मिसाल देता हूँ। आपने एक कलिमा सुना होगा अलीम, क्या मानी है अलीम के? नहीं जी, जो जानता है उसे आलिम कहते हैं, जो बहुत जानता है उसे अल्लामा कहते हैं, जो कायनात में सबसे ज़्यादा जानता है उसे आलिमुन नास कहते हैं, अलीम नहीं कहते। इस बात को समझने के लिए देखिए कि मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, बड़ी अजीब बात है कि मैं तो आपको देख भी नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं कि मेरा कौन कौन तालिबे इल्म है और कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, उनके नाम क्या क्या है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरे पैदा होने से भी पहले मेरे अल्लाह को पता था या नहीं पता था कि खावर बट इतने बजकर इतने मिनट और इतने सेकंड पर ये कलमा अलीम पढ़ाएगा, फ़ैलून के वज़न को पढ़ाएगा, ताकि तफ़ील को मैं अच्छी तरह समझा सकूँ।
बिल्कुल ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आलिम थे, ये जो अल्लामा साहब थे, ये जो आलिमुन नास थे, जो कायनात में सबसे ज़्यादा जानने वाले लोग थे, इन्होंने इल्म कहाँ से हासिल किया? अगर आप गौर करेंगे तो आप मुझे कहेंगे कि या तो अपने असातिज़ा से हासिल किया होगा, या उन्होंने कुतुब से हासिल किया होगा, मुतालियाजात से हासिल किया होगा, या आप कहेंगे मुशाहिदात और तजारब से हासिल किया होगा। ये मुमकिन है कि आप मुझे कहें कि उन्होंने ये इल्म का हुसूल जो किया है इन रिसोर्सेज से कर लिया, तजर्बे और मुशाहदे से कर लिया। मैं कहूँगा ठीक कहा, मुशाहदा हुआ, तजर्बा हुआ, उन्होंने खुद पढ़ा, उन्होंने अपने असातिज़ा से पूछा, उन्होंने हवासे खमसा के ज़रिए जाना, इल्म हासिल हो। ये बात, लेकिन ये जो मैंने आपसे पूछा था कि अल्लाह जल्ला शानू को क्या पता था मेरे पैदा होने से पहले कि खावर भट्ट इतने बजकर इतने मिनट और इतने सेकंड पर उन लोगों को जिनकी शक्लों का भी नहीं पता, जिनके नामों का भी नहीं पता, जो इसका ये भी नहीं पता कहाँ बैठे हुए हैं, उनको ये कलिमा अलीम पढ़ाएगा, अल्लाह ने किस किताब में पढ़ा था? अल्लाह जल्ला शानू का कौन सा तजर्बा हुआ था, कहाँ मुशाहिदा हुआ था? अल्लाह जल्ला शानू ने किन हवासे खमसा के ज़रिए जाना था? जिस हस्ती को अपने इल्म के हसूल के लिए असातिज़ा, मुतालियाजात और इन रिसोर्सेज की ज़रूरत न हो, उसका इल्म उसकी ज़ात की वजह से हो, वो हस्ती अलीम कहलाती है। और एक और बात, ये जो अल्लामा साहब हैं, ये जो आलिमुन नास हैं, जब तक इल्म हासिल नहीं हुआ था, क्या उनके पास इल्म था? उस वक्त जाहिल थे। और जब इल्म हासिल हो गया, मुशाहदे मुताले के साथ इल्म हासिल हो गया, तजारब से उन्हें इल्म मिल गया और असातिज़ा से उन्होंने सीख लिया, मान लिया, उन्हें इल्म मिल गया, दिमाग ख़राब हो जाए, सर पे चोट लग जाए, दिमाग का हिस्सा जहाँ ये महफूज होता है वो ख़राब हो जाए, तो उनके पास रह जाएगा क्या? अल्लाह पे कभी ऐसा मौका आया कि उनको पता ना हो? कभी ऐसा मौका आ सकता है कि कौम का इल्म भी छिन जाए इंसानों की तरह? ये दो बातें कि उनका इल्म उनकी ज़ात की वजह से होता है, किसी और की वजह से नहीं होता। दूसरी बात तो उनका इल्म शुरू से ही है, अज़ल का कलमा उनके लिए छोटा है और अबद 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 तक है, और अबद का कलमा भी उनके लिए छोटा, उनका हमेशा हमेशा का इल्म। ये दो बात। मैं एक और कलमा लेके ये कलमा फ़ाइलुन का समझाता हूँ। अलीमुन फ़ाइलुन, अज़ीमुन फ़ाइलुन, करीमुन नबीलुन, शरीफुन, ये सारे कलिमात फ़ाइलुन के वजन पर आ रहे हैं। सारी दुनिया की ज़िंदगी इबारत है अरूज और जवाल से। कुछ असबाब होते हैं जिनकी वजह से किसी शख्स को अरूज मिल जाता है, फिर कुछ असबाब होते हैं जिनकी वजह से उन्हें दोबारा उनका वो अरूज छिन जाता है, जवाल हो जाता है। अदालत जी कहिए कि अगर हम सारे के सारे नहीं, पूरी कायनात की कायनात अल्लाह के हुजूर गिर जाए, सजदे में पड़ जाए,
और उसके नाम की माला जपे और उसकी किबराई का ऐलान करे और उसकी तस्बीह का ऐलान करे, हम सब ये इस पे लगे ही रहे तो अल्लाह की अजमत पे इतना सा भी इजाफा कर सकते हैं। और खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, हम सारी कायनात के लोग मिलकर भी अल्लाह की तनकीस करें, उसमें खामियां बयान करें, तो अल्लाह की अजमत में इतनी सी कमी कर सकते हैं। अल्लाह की अजमतें उनकी अपनी ज़ात की वजह से। दूसरी बात, क्या नऊज़ बिल्लाह अल्लाह पे कभी वक्त ऐसा आया था कि उनके ऊपर अरूज ना हो, उनके पास अजमतें ना हो, या कभी ऐसा आ सकता है कि उनकी अजमतें छिन जाएं? उनकी अजमतें तो अजल अजल से हैं, अबद रहेंगी, और ये सिर्फ जो है ये मौसूफ की जाती है, किसी की अता करदा नहीं। एग्जैक्ट यहाँ पर भी यही बात है। हाँ, इसमें एक पहले और बात अर्ज करता जाऊँ, मानी के अंदर उतरते हैं ना, हमने दुआ किया है अल्लाह हमें इल्मे अमीक अता फरमाना, गहरा इल्म, तो गहरा तो तभी मिलेगा ना, तो हम उसके तहकीक करके साथ साथ चलें, ताकि जितने कलिमात हम कहें हमें पता तो हो कि हम क्या कह रहे हैं। आप देखें कि अलीम, अजीम, इसमें मैंने अजल अजल और अबद अबद की बात की, क्योंकि मैं सिफात इलाही की बात कर रहा हूँ। जो जिसकी सिफत होती है, अगर वो मखलूक हो तो उसकी सिफत के शुरू होने का भी वक्त होता है और उसके ख़त्म होने का भी वक्त होता है। ये जो तंजील का कलमा है, ये अलीम के अंदर एक ते का, जब वो फ़ाइल के वज़न के अंदर जब ता का इजाफा किया, तो एहतमाम के साथ कोई काम करना हो तो फिर तफ़ील का वज़न बन जाता है, तो पूरे एहतमाम के साथ तफ़ील, तंजील, पूरे एहतमाम के साथ ये तंजील हुई है। और जब ये नाजिल हुई है उस वक्त से लेकर 23 साल के उस अरसे के अंदर, जब तक वो मुकम्मल नहीं हो गई, इसकी नज़ूल होता रहा, इसलिए इसको तंजील कहते हैं। कभी ये ख़दशा भी ऐसी ज़ेहन में आ जाता है कि क्या बात है, कभी कहते हैं कि ये 27 रमज़ान मुबारक को नाजुल हो, कभी कहते हैं ये रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में नाजुल हो, कभी कहते हैं कि अल्लाह जल्ला शानों ने लोहे महफूज से नाजिल कर दिया नीचे। हाँ, वो नाजिल किया, वो इंजाल एक ही बार जो पूरे का पूरा हुआ है वो वहाँ पे हुआ है बैतुल इज़्ज़ा के, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलबे मुबारक पर अपने तकमील तक, वादारुल बै तक का जहाँ पे आखिरी जो आयत आगे नाजिल हुई है, उस वक्त तक ये नाजिल होता रहा, और उसके बाद फिर वो नाजिल होना बंद। अल्लाह अकबर। यहाँ पर एक मानी और के कुरान हकीम का कलिमा खुद, इससे क्या मुराद, ये कैसे बना है? मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जगहों के हवाले से बात की है, मैं उसको बहुत मुख्तसर करता हूँ, मैंने पहले ही आपका वक्त ले लिया है। तो जो इसका नाम है, ये करा यकराउ के से बना है, यहीं से निकला है कुरान, करा यकराउ कुरान, ये यहाँ से, जिस तरह फुरकान, जिस तरह गुफरान, ये है इसके अंदर, इसमें अल्लाह के मानी भी पाए जाते हैं। करा यकराऊ और आनन और सूरा, हाँ, अल क़यामा में
आयत नंबर 12 में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अलैना जाऊ व कुरान हो। ये तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि रसूल पाक हम तुम्हारे दिल में इसे जमा भी करवा दें और इसे पढ़वा भी दें, ये हमारी ही ज़िम्मेदारी। ये करा ही से निकला। ये वाहिद किताब है जिसके अंदर ये कलिमा कुरान आया। इसका वजन है फुलान, कुरान फुलान। ये वजन जो है इसको भी गौर से देखें, दो तरह आता है, फुलान और फालान। फुलान फे के ऊपर पेश और फे के ऊपर ज़बर। इसको समझने के लिए मैं फिर तमसील के साथ आपको साथ चलता हूँ, ताकि कुरान के मानी को कि ये क्यों लफ्ज़ करा या कराऊ के बाद कुरान बनाया गया और इसका ये ना इसमें मुबारक रख दिया गया और कायनात के अंदर ये वाहिद किताब है, इसकी मिसाल भी कोई दूसरी किताब नहीं। मैं उर्दू अदब के चंद कलिमात बोलता हूँ ताकि हम ये जान सकें कि फोलान और फालानुन के वज़न पर आने वाले कलिमात के अंदर क्या मानी पाए जाते हैं, फिर वही मानों को यहाँ इस कुरान के अंदर तलाश कर लेंगे। तूफानुन, तुग्यानुन, गज़बानुन, फैज़ानुन, फ़ालानुन, सारे कलिमात इसी वज़न पर आ रहे हैं। अब देखिए तूफ़ान किसे कहते हैं, तहकीक के साथ थोड़ा थोड़ा सोच लेंगे तो माने खुल जाएंगे। तूफ़ान, हवा चल रही हो तो हम उर्दू अदब में क्या कहते हैं, नहीं हवा चल रही है यही जुमला कहते हैं। हवा तेज चले तो फिर क्या कहते हैं, फिर भी कहते हैं हवा तेज चल रही है। उर्दू अदब में अगर कहा जाए कि हवा बहुत ही तेज चल रही है तो फिर क्या कहते हैं, हवा के अंदर जोश कुवत वर्वला बढ़ गया है और वो बहुत तेज चल रही है, नहीं फिर भी कहते हैं कि हवा बहुत तेज चल रही है। लेकिन हवा के अंदर अगर जोश कुव्वत वलवला इतना बढ़ जाए कि ज़मीन पर पड़ी हुई मट्टी, रेत, दरख्तों के पत्ते और इस तरह की चीज़ें, गिरे हुए कागजात, टिश्यू पेपर, वो उठाकर इस तरह साथ चले तो फिर क्या कहते हैं, फिर कहते हैं आंधी आ गई। फिर हवा तेज़ नहीं चल रही, हवा बहुत तेज़ी नहीं चल रही, फिर ये कलमा छोटा रह जाता है, फिर हम कहते हैं आंधी आ रही। लेकिन इस आंधी के अंदर भी जो कुव्वत वलवला हवा का और बढ़ जाए, इतने ज़ोर से बढ़ जाए कि वो जो बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए हैं वो गिरने शुरू हो जाएं, वो जो बड़े बड़े दरख्त हैं वो भी गिरने शुरू हो जाएं, तो फिर हम कहते हैं हम अपनी ज़बान में कि तूफ़ान आ गया है। तूफ़ानुन फ़ौलानुन, ये वज़न जितने मानी इसके अंदर पाए जाएंगे, कदर मुश्तरक पाई जाएगी, वही हम देखेंगे फ़ौलान के मानी के अंदर वो बात ऑटोमेटिकली दाखिल हो जाती है। एक और कलमा तुग्यानुन, तुग्यानी जिसे आप कहते हैं, नदी नाले में पानी चल रहा हो तो कहते हैं पानी चल रहा है, तेज़ चल रहा हो तो हम कहते हैं तेज़ चल रहा है, इसमें जोश कुव्वत वलवला बढ़ जाए तो ये बहुत ही तेज़ चलने लग जाए तो हम उर्दू में कहते हैं बहुत तेज़ चल रहा है। लेकिन अगर वो इतनी तेज़ चले कि उसके साहिलों के ऊपर
वो जो दोनों उसके किनारे हैं पानी निकल निकल कर बाहर आना शुरू हो जाए और फिर उसके अंदर जोश को इस कदर बढ़ जाए कि आगे जो बंद बांधे हुए उन बंदों को तोड़ दे, फिर हम कहते हैं तुग्यानी आ गई। तुग्यान अगर मैं देखूं कि इसके अंदर कदर मुश्तरक क्या है दोनों के अंदर, तो जोश कुव्वत वलवला हदों से निकल के आना, रास्ते की रुकावटों को तोड़ तोड़ के आना। गज़बानुन, एक और कलिमा मैंने कहा था गज़बानुन, गज़बान है वो शख्स। अगर किसी की बात अच्छी ना लगे तो हम कहते हैं कि नागवार गुजरी, नापसंदीदगी का इजहार हुआ है, अच्छी नहीं लगी। इस अच्छा ना लगने में, इस नागवारी के अंदर, इस नापसंदीदगी के अंदर जोश कुव्वत वलवला और बढ़ जाए तो फिर हम कहते हैं कि गुस्सा आ गया। लेकिन इस गुस्से के अंदर जोश कुव्वत वलवला और बढ़ जाए, हद से इंसान निकलने लग जाए गुस्से की वजह से, तो ये गुस्से का कलमा फिर छोटा रह जाता है। फिर हम कहते हैं फलां शख्स बड़ा गैज़ में, उसका गैज़ो गज़ब दिखने वाला था, तो फिर गैज़ का कलमा मुनासब लगता है और नापसंदीदगी का या गुस्से का कलमा छोटा लगता है। लेकिन अगर इसके अंदर जोश कुव्वत वलवला और बढ़ जाए, हत्ता के वो अपनी हद से बाहर निकल आए, हर कसो नाकस को साथ यही सलूक करता चला जाए और गालम गलोच पर उतर आए, मारपीट पर उतर आए, अगर ये सूरत हाल हो तो फिर ये गैस का कलमा भी छोटा रह जाता है। फिर हम कहते हैं फलां शख्स बड़ा गज़बान है, उसकी उस कैफियत का इजहार करने के। तो जोश कुव्वत वलवला हद से निकल के आना, रास्ते की रुकावटों को तोड़ तोड़ के आना, यहाँ भी पाया जाता है। फैजानुन फालानुन, कोई आदमी किसी से फ़ायदा लेता है तो हम कहते हैं फलां ने फलां से फ़ायदा हासिल किया। लेकिन फ़ायदा देने वाला वो जोश कुव्वत और वलवले से फ़ायदा देता ही जाए, उसमें बहुत जोश कुव्वत और वलवला हो, तो फिर ये कलिमा फ़ायदा लेना या फलां ने फ़ायदा दिया, ये बहुत छोटा रह जाता है। फिर इंसान जब तक ये नहीं कहता फलां का फैज़ जारी है, फलां ने फलां से फैज़ पाया है, ये पूरे मानी नहीं होता। लेकिन अगर फैज़ के अंदर भी जोश कुव्वत वलवला और बढ़ जाए, हदों से निकल निकल कर आए, रस्ते की रुकावटों को तोड़ तोड़ कर आए, वो इतना नवाजे कि वो देता ही चाहे, हर कसो नाकस को दे, सुबह शाम दे, इसकी कोई परवाह ना करे, बस देता ही चला जाए, तो ऐसी सूरत हाल हो जाए तो फिर कहते हैं कि फलां का फैजान जारी है। इन सारे कलमात को, चारों कलमात को अगर इकट्ठा कर लें तो इसमें कदरे मुश्तरक जो बनती है जोश कुव्वत वलवला, हदों से निकल कर आना और रस्ते की रुकावटों को तोड़ तोड़ कर। यह देखिए कि लफ्ज़ कुरआनुन, कुरआनुन फुलानुन का वजन पर आया है। अब इनको, इन सिफात को अगर इसमें दाखिल करें, मैंने अर्ज़ किया था कर आ या कराऊ से है, तो जो इसके अंदर पढ़ने का मामला इतना पढ़ा जाए, इतनी जोश के साथ पढ़ा जाए, इतनी कुव्वत के साथ पढ़ा जाए कि हदों से निकल निकल के पढ़ा जाए, इसके मुकाबले की कोई नज़ीर ही न रह जाए दुनिया के अंदर, इतना में पढ़ा जाए तो उस जिस किताब को इतना पढ़ा जाएगा उस किताब का नाम कुरान होगा और ये कायनात के अंदर एक ही किताब। ये कितना पढ़ा जाता है, ये कितना पढ़ा जाता है, उसके लिए फिर मैं एक मिसाल देता हूँ। देखिए कि यह हमारे मशरक में दूर ऑस्ट्रेलिया के पास जुजर फिजी है। ये जुजर फिजी जो है एग्जैक्ट वो जगह है जिसे हम डेट लाइन कहते हैं,
यहाँ से वो डेट लाइन गुजरती है, हमारे महवरी जो गर्दिशें होती हैं उसकी वजह से किसी जगह से जो दुनिया के अंदर सबसे पहले कोई तारीख पैदा होती है, जहाँ सबसे पहले रोशनी पहुँचती है, जहाँ दिन का आगाज़ होता है, हम कहते हैं कि आज फलां तारीख शुरू हो गई है, ये डेट लाइन जहाँ से आगाज़ होता है ये जुज़र फीजी है। इस जुज़र फीजी के अंदर लाखों लोग मुसलमान, ये लाखों लोग सुबह फजर की नमाज से पहले भी और नमाज के अंदर भी और नमाज के बाद भी कुरान हकीम की तलावत करते हैं, हत्ता के वो जब सो जाते हैं उस वक्त तक ये तलावत जुज़र फीजी के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में होती ही रहती है, ये तो रुकती नहीं। कभी वो मदारस में हो रही है, कभी स्कूल कॉलेजेस के अंदर हो रही है, कभी लोग अपने घरों के अंदर पढ़ रहे हैं। तो आगाज़ डेट लाइन से शुरू हुआ और जब यहाँ से फजर का वक्त ख़त्म होता है तो ऐन उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में फजर का वक्त शुरू हो जाता। हज़ारों मुसलमान जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो फजर से पहले भी और फजर के बाद भी, तहज्जुद के अंदर भी और रात के क़याम के अंदर भी ये शुरू कर देते हैं तलावत करनी, और ये तलावत करते रहते हैं। और स्कूलों और कॉलेजों के अंदर भी जब पढ़ाया जाता है, मदरसों में जो पढ़ाया जाता है, कितने मदारस हैं वहाँ पे जो कि इसके अंदर ये इसकी तालीम दी जाती है, और नाजरा भी और हिफ्स भी और इसके आलूम भी और इसकी तशरीहात भी और इसके अजायब को भी लोग पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। गोया वहाँ से शुरू हुआ वक्त फिजी से, फिजी में ख़त्म हुआ तो ऑस्ट्रेलिया में इसका वक्त शुरू हो गया। ऑस्ट्रेलिया में जब वक्त शुरू होता है तो करोड़ों लोग जो कि मलेशिया में मुसलमान रहते हैं उनके यहाँ फजर का वक्त शुरू हो जाता है। जब वहाँ पे फजर का वक्त शुरू होता है तो फजर से पहले भी, क़यामुल लैल के अंदर भी और फजर की नमाज के बाद भी, नाजरा भी, हिफ्ज भी, मदारस के अंदर भी, हर जगह पर कुरान हकीम की तलावत हो रही है और तसलसल से होती है, तसलसल से होती चली जा रही होती है। जब ये तलावत यूं हो रही होती है तो फिर जब यहाँ पर वक्त ख़त्म हो जाता है तो आगे इंडोनेशिया में उसका वक्त शुरू हो जाता है। करोड़ों करोड़ों लोग ये सुबह अपनी कर रहे हैं, इससे पहले लाखों लोग तहज्जुद के अंदर खड़े थे और उनमें से कुछ लोग वो हज़ारों में वो थे जो रात को वो क़यामुल लैल के अंदर खड़े थे, वो रात का सफ़र शुरू हुआ है। अब वो नमाज के अंदर पढ़ रहे हैं, फिर नमाज के बाद नाजरा पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर नमाज के बाद हिफ्ज़ शुरू कर देते हैं, फिर नमाज के बाद उसके मुख्तलिफ मजामीन को पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो कुरान हकीम की तलावत होती ही रहती, होती ही रहती, होती ही रहती। जब इंडोनेशिया में वक्त ख़त्म होता है तो बांग्लादेश में शुरू हो जाता है, तो करोड़ों लोग वहाँ के फिर वो इसकी तलावत शुरू कर देते हैं। रात से कर रहे होते हैं, फिर वो सुबह के वक्त फजर के वक्त लोग उठते हैं और फिर उसकी तलावत शुरू कर देते हैं। और जब ये भारत, जब ये बांग्लादेश में वक्त ख़त्म होता है तो वहाँ फिर भारत के अंदर वो वक्त शुरू होता है। तो 22 लाख अफराद फिर वहाँ पे, 22 करोड़ लोग वहाँ पर भी इसकी तलावत शुरू करते हैं। इनके अंदर कितने लोग हैं जो रातों को तलावत कर रहे थे, और कितने हैं जो तहज्जुद में तलावत कर रहे थे, और कितने हैं फिर अब फजर के अंदर। और इसके बाद तो दुनिया के बड़े बड़े मदारस यहाँ पर पाए जाते हैं, जगह जगह पर मदारस पाए जाते हैं, और ये किताब उन मदारस के अंदर पढ़ाई जा रही होती है, कई अंदाज में पढ़ाई जा रही होती है, कई उसके मौजज़ात पढ़ाए जा रहे होते हैं, कहीं पर उसकी तफसीर पढ़ाई जा रही होती है, कहीं नाजरा पढ़ाया जा रहा है, कहीं पर क्लासें लगी हुई जो हिफ्ज़ करते जा रहे हैं। और अल्लाह के ये छोटे छोटे बच्चे तकरीर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं, इस तरह ये हिफ्ज़ करते हुए इस तरह लगता है चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। और उसके साथ ही उनकी तलावत शुरू हो गई। जब भारत में वक्त ख़त्म होता है फजर का तो पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग यहाँ इसकी तलावत शुरू करते हैं, रात के अंधेरों में भी पढ़ते हैं,
तहज्जुद के अंदर पढ़ते हैं, फजर की नमाज के अंदर पढ़ते हैं, फजर की नमाज के बाद हमारी बीवियां भी घरों में और मर्द मसाजिद के अंदर और कुछ लोग घरों में जाके और बाज़ लोग तो टेप रिकॉर्डर लगा कर अच्छी आवाज़ में सुनकर उसकी तलावत कर रहे होते हैं। पर ये तसलसल के साथ चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, हत्ता के यहाँ पर वक्त ख़त्म हो जाता है। जब यहाँ वक्त ख़त्म होता है तो यहाँ पे नमाज हो रही होती है, फजर की नमाज पाकिस्तान में हो रही होती है, तो फिजी के अंदर जोहर का वक्त शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे जोहर के वक्त की तलावत शुरू हो जाती है, नमाज शुरू हो जाती है और उसके बाद की तलावत का वक्त आ जाता है, अल्लाह की किबरियाई का ऐलान हो जाता है उधर, फिर दोबारा लोग अल्लाह की तरफ पलट आते हैं। पाकिस्तान में जब वक्त ख़त्म हो जाता है तो मिस्र में शुरू हो जाता है, फिर मिस्र के करोड़ों लोग कुरान हकीम की तलावत, फिर कभी खलील हुसरी की तरह, कभी शेख मुंशावी की तरह और कभी शेख अब्दुल बासित की तरह और कभी किस तरह और कभी किस तरह वो तलावत करते हैं और जी भर कर तलावत करते हैं, नमाजों के अंदर करते हैं, नमाजों के बाहर करते हैं, वो नाजरा पढ़ते हैं, वो हिफ्ज़ पढ़ते हैं, वो बेशुमारी तलावत करते रहते हैं, चलते फिरते पढ़ते रहते हैं, तस्बीहात करते रहते हैं, अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करते रहते हैं, उसके इस किताब में से छोटी छोटी आयात लेकर याद करते रहते हैं। और जब यहाँ पे वक्त ख़त्म होता है तो फिजी के अंदर असर का वक्त शुरू हो जाता है और लीबिया में अब वक्त शुरू हो गया यहाँ पर फजर का, उधर फिजी के अंदर असर का था। अब यहाँ पे जब लीबिया के अंदर वक्त शुरू हो जाता है तो फिजी के अंदर उस वक्त मगरब पड़ी जा रही होती है और लीबिया और अलजज़ायर और इर्द गिर्द के लोग कुरान हकीम की तलावत कर रहे होते हैं। ये तो मैं मालिक का नाम ले रहा हूँ कि जहाँ जहाँ डेट लाइन गुजरती जा रही है, और ये तो लम्हा ब लम्हा दूसरे ममालिक के करीब करीब से जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं वहाँ भी तलावत की एक लाइन चलती जा रही है। और जब अलजज़ायर और मराकश के अंदर जब पहुँचते हैं तो उस वक्त वहाँ के लोग तलावत शुरू कर देते हैं, और जब वहाँ पे तलावत हो रही होती है तो फिजी के अंदर इशा का वक्त हो जाता है और फिर क़यामुल लैल और फिर उसके बाद तहज्जुद और उसके बाद फिर फजर, और ये नूर का एक हाला है जो पूरी दुनिया के इर्द गिर्द यूँ ही चलता रहता है, यूँ ही चलता रहता है। और कुरान हकीम की तलावत खुद ही रहती है, जिसकी तलावत इतनी ज़्यादा हो, मुबालगे से आगे जाकर ये तलावत हो रही हो, तो उसी को तो कुरान कहते हैं कि वो कौन सी किताब है जिसकी कदर तलावत होती है, सिवाय कुरान हकीम के कोई और किताब है तो उसका नाम बताइए, कोई और किताब है ही नहीं। आज हमने इसकी तारीफ पढ़ी और पहला नाम किसका नाम कुरान का कुरान हकीम रखा ही क्यों गया है। क़यामत तक के लिए अल्लाह का ये वादा है कि ये तलावत होती रहे, या तो क़यामत आ जाए, ये निज़ाम टूट जाए और इस तरह तसलसल बाकी ना रह जाए दुनिया का, और अल्लाह चाहे कि अब मामला ख़त्म हो गया, फिर तो कहा जा सकता है कि ये नूर का हाला जो तलावत का हाला है ये रुक जाएगा, वरना इससे ज़्यादा ज़ोर के साथ कायनात के अंदर कोई किताब नहीं पढ़ी जा रही। बहुत मानने वाले हैं मसीहत के, लेकिन वो तो इतवार को उसकी तलावत होती है और वो भी बहुत कम होती है, और वो भी अफराद नहीं करते, वो तो वहाँ का पादरी करता है सिर्फ, इसके मुकाबले कि दुनिया में किसी चीज़ की तलावत नहीं। इसलिए कहा जाता है कि कुरान जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब और इसका नाम अल कुरान रखा है, अलिफ लाम खास करने के लिए आता है ना, तो ऐसी तो कोई और किताब है ही नहीं। ये अल्लाह का कलाम। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बकिया नामों के बारे में भी इसी तरह, लेकिन बहुत सादगी के साथ मैं आपसे खिताब करूँगा।
आपको बताऊंगा कि इनके बाकी नाम क्या हैं और सिफाती नाम जो हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लेकर आते हैं, उनको भी देखेंगे ताकि कुरान का तारुफ अच्छे तरीके से हमारे दिल में जामोजी हो जाए। ऐ अल्लाह, इस नूर के हाले में हमारा नाम भी शामिल करें, मेरे इन तालिबे इल्मों का नाम भी शामिल करें, इनकी आवाज़ों को रिकॉर्ड कर लेना, क़यामत के दिन उनको सुनाना कि मैं जो तुमसे प्यार इसलिए है कि तुम मेरे कलाम की तलावत किया करते हो। अल्लाह, हमारा नाम इसकी तलावत करने वाले लोगों में शामिल कर, हमसे जो गलतियां हो जाए हमें माफ़ कर। अकूल हादत अस्तफ़िर लेक्चर के इंतहा भी दुआ से होगी, इब्तदा भी मैंने दुआ से की है। एक दुआ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी, रोके किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक, मैं तो तेरा गुलाम हूँ, तेरे मेरा बाप भी तेरा गुलाम, वइब्ने आमत, मेरे तेरी लौंडी का बच्चा, व नासियत भी यदि, मेरी पेशानी तो आपके हाथ में है, मैं आपको सारे नामों का वास्ता देता हूँ, वो नाम जो आपने किताब में बता दिए हैं या किसी नबी और रसूल को सिखा दिए हैं या अपने पास अभी तक रखे हुए हैं, उन सारे प्यारे नामों का वास्ता देकर कहता हूँ, इजलल को अन रबिया कल्बी, इसको वो मेरे इस कुरान को हमारे दिल की बहार बना दे, बजला हुस्नी, और मेरे गमों का इसे मुदावा बना दे। इस दुआ को उर्दू में हम पढ़ते हैं, आप आमीन कहेंगे तो अल्लाह करे हमारा शुमार उसके पसंदीदा और उसके कलाम से प्यार करने वाले लोगों के साथ हो। ऐ अल्लाह, कुरान को हमारे दिल की बहार बना दे, दिल का सुरूर बना दे, आँखों का नूर बना दे, गमों का मुदावा बना दे, दुखों का इलाज बना दे। या अल्लाह, कुरान हकीम को हमारा साथी बना दे, लम्हात का साथी, सोच का साथी, सारी ज़िंदगी का साथी बना दे, वक्त ऐश का साथी बना दे, वक्त तैश का भी साथी बना दे। या अल्लाह, कुरान हकीम को हमारे लिए शिफा बना दे और कुरान हकीम को हमारे लिए शिफात करने वाला बना दे। وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين। शुक्रिया। आपके जहन में कोई सवाल हो तो वो सवाल भी मुझे आप पूछ सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 0300 4733 774। शुक्रिया।